बालक होगा अभी वो सुधीरेश्वरी का लड़का, बहुत ही ज्यादा बच्चा है। उसको एक ही बात कहना चाहते हो, जो वो बयान दे रहा है ना, उल्टे पुल्टे बयान दे रहा है, जैसे उनका बाप देता था, 2% सिख है इनको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वही बयान उसका लड़का दे रहा है अभी। उसका लड़का बोल रहा है सिखों को घर से निकाल निकाल के मार देंगे। ऐसा है, उसको बच्चा होगा बेटे के बराबर है। बेटे, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती कि बस बापू तू चल और मैं आया, ये जल्दबाजी गलत हो जाती है। नजरबंद किया, चारों तरफ से आवाज उठने लगी, नजरबंद से हटा दिया। आज भाई सभी से मिले भी गए, क्योंकि रोज के 2-3 प्रोग्राम भी ज्यादा हो जाते हैं। जब फुर्सत होगी हरियाणा में भी आएंगे, यूपी में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे, सभी जगह जाएंगे, अमृतपाल भाई की बता रहे हैं। लेकिन इस जो ये कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी पर कोई आरोप लगा देते हैं, इससे बचने का एक रास्ता है और वो है संयुक्त पंजाब। संयुक्त पंजाब की एकता अगर एक होगी, किसी के अंदर दम नहीं है, आपको दबा लेंगे अलग अलग करके। ये अलग अलग करके दबा रहे हैं अभी, अलग अलग करके, यही सब चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा। नमस्कार भाई दोस्तों, कल तो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा किया पंजाब के अंदर, ये सबको पता था। अगर प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं तो ड्रामा तो ये करेंगे ही करेंगे सबको। कल क्या हुआ था, एकदम से अचानक से पूरी पुलिस छावनी गई और अमृतपाल सिंह को नज़रबंद कर दिया, यही हुआ था ना। क्यों किया गया था, किस कारण किया गया था और फिर किस लिए हटाया गया, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तब पूरा पता होगा तभी सबसे पहले तो पंजाब के सभी लोग ना धन्यवाद के पात्र हैं, जो इन्होंने इतनी शांति से जवाब दिया है। ये शांति ना आपकी, यही आपको जीत दिलाएगी। और जो आपकी एकता है, किया था नज़रबंद अमृतपाल भाई को, हरियाणा से सबने पोस्टें डाली थी, हमने भी डाली थी, और भी बहुत से साथियों ने पोस्टें डाली थी हरियाणा से कि अमृतपाल भाई को नज़रबंद क्यों किया गया है। पुलिस ने क्या जवाब दिया, पुलिस ने बोलिया कि इनकी सुपारी दे रखी 5 लाख की, 5 लाख छोड़ो, 5 करोड़ छोड़ो, 5 अरब छोड़ो, बेशकीमती रहा है वो पंजाब के लिए, बेशकीमती, उसकी कोई कीमत नहीं है। कहीं 5 लाख में कीमत आ करे वो। अगर पंजाब पुलिस के पास ये रिपोर्ट थी कि 5 लाख की सुपारी दी गई अमृतपाल भाई की, तो ये भी पता होगा किसने दी और किसको दी। आपने उनको तो कुछ नहीं कहा, ना ही उनको कुछ उठाया, ना पुलिस में डाला, फिर आप किस बेस पर बोल रहे हो। और अभी भी अगर लोग ये सोचते हो कि हम आज़ाद हैं, तो बहुत गलत सोच ले रहे हो आप। आज़ादी नहीं है ये, कहीं सोच रहे हो आज़ादी है, ये हमारे को एक गुलाम ये दिखा जाता है कि तुम अभी भी गुलाम हो, तुम्हारे ऊपर ही लागू है हर एक चीज़। क्या जिन्होंने सुपारी दी उनके ऊपर कुछ भी लागू नहीं है। एक और बात आज कहना चाहते हैं, बालक होगा अभी वो सुधीरेश्वरी का लड़का, बहुत ही ज़्यादा बच्चा है। उसको एक ही बात कहना चाहते हो, जो वो बयान दे रहा है ना, उल्टे पुल्टे बयान दे रहा है, जैसे उनका बाप देता था, 2% सिख है इनको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वही बयान उसका लड़का दे रहा है अभी। उसका लड़का बोल रहा है सिखों को घर से निकाल निकाल के मार देंगे। ऐसा है, उसको बच्चा होगा बेटे के बराबर है। बेटे, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती कि बस बापू तू चल और मैं आया, ये जल्दबाजी गलत हो जाती है। इतनी जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, गलत है ये। अगर बाप गलत रास्ते पर चला तो बेटे को नहीं चलना चाहिए, जबकि बेटे को तो संभालना चाहिए और उन चीज़ों को संभालना चाहिए जो बाप ने गलत किया, उन पर पर्दा ढकना चाहिए, ये होना चाहिए। शिक्षा दे रहे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझ जाए वही अच्छा होता है, समझ जाएगा ठीक रहेगा, नहीं तो जिस गलत रास्ते पर बाप चला क्या उसी पर चलना ठीक होता है, ये तो है उसका। अब अमृतपाल भाई के ऊपर क्यों नज़रबंद किया गया और फिर हटाया भी इतनी जल्दी क्यों गया, क्या किसी की समझ में आया, एकदम से इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों किया गया था। इसको समझने के लिए आपको शांति से, आपको 2 दिन पहले से बताता रहा था मैं कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकाल लेंगे, कुछ करेंगे, आप देख लेना इस चीज़ का, और वह हुआ। अगर साथी से भी समझ जाते, नंबर एक चीज़ तो अगर आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सबके पास पहुंच जाएगा, पहले ही पता लग जाए। इनके आगे की भी बताएंगे, आगे भी, और ये क्या करेंगे, आगे तक की बता देंगे, अगले 1 महीना क्या चलेगा पंजाब के लिए, कौन सा प्लान इन्होंने तैयार किया। जो नया साथी जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाए। यूट्यूब चैनल आपका अपना है, यहाँ पर सच्चाई मिलेगी हर एक बात की। कल प्रधानमंत्री साहब पंजाब में गए, ठीक है गए भाई, आपने जाना था जहाँ पे वहीं पे गए, उसी डेरे में उन बाबाओं से मिलना, क्योंकि हिमाचल में चुनाव है तो ये तो करना पड़ता है, कर रहे हैं, सबको चुनाव, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, अपनी वोट बनाने का भी सबका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि ठीक है आप पंजाब में जा रहे हो तो आप पंजाब के जो युवाओं के भविष्य की या पूरे पंजाब के भविष्य की आवाज़ उठा रहे हैं, आप उन पर प्रेशराइज करो, क्यों क्यों प्रेशर दिया जा रहा है। ये सबको पता था ये क्यों दिया गया था, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि कहीं तुम ये सोच जाओ कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद नहीं हो, चलती हमारी है। इसको बोलते तानाशाही, तानाशाही थी ये और कुछ नहीं था, कहीं कोई सोच रहा हो और कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही। अब इस तानाशाही से कैसे बचना है, कैसे इस तानाशाही का जवाब देना है,
वो ध्यान से जरूर सुन लेना दोस्तों, वो आपके काम की बात है। नज़र बंद किया, चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी, नज़र बंद से हटा दिया। आज भाई सभी से मिले भी गए, क्योंकि रोज़ के 2-3 प्रोग्राम भी ज़्यादा हो जाते हैं। जब फुर्सत होगी हरियाणा में भी आएंगे, यूपी में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे, सभी जगह जाएंगे, अमृतपाल भाई की बता रहे हैं। लेकिन इस जो ये कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी पर कोई आरोप लगा देते हैं, इससे बचने का एक रास्ता है और वो है संयुक्त पंजाब। संयुक्त पंजाब की एकता अगर एक होगी, किसी के अंदर दम नहीं है, आपको दबा लेंगे अलग अलग करके। ये अलग अलग करके दबा रहे हैं अभी, अलग अलग करके। यही सब चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा, देख लेना आप, कहीं सोच रहे नहीं चलेगा, चलेगा। क्योंकि आदमपुर चुनाव ताज़ा उदाहरण है। आदमपुर में चुनाव था अभी, वोटिंग से पहले क्या घोषणा की मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी, खुद जाके घोषणा करके आए थे, जो स्कूल को बंद किया जा रहा था, बोला नहीं नहीं स्कूल को बंद नहीं होगा, मरेज नहीं होगा स्कूल, दूसरे उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वोट लेनी थी उस समय पर। तो जैसे ही वोटिंग हुई, शाम को ही आदेश आ गया, लिखित में आदेश है कि वो स्कूल तो बंद होगा, आ गया ना लिखित में आदेश। अभी भी नहीं समझे तुम ये सरकार क्या चाहती है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं ये, बिल्कुल जड़ से ख़त्म, ताकि बच्चा कर ही ना सके, आगे बच्चा बढ़ ही ना सके। बच्चा अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा कि ये अधिकार है मेरा, मेरे को मिलना चाहिए। उन अधिकारों का लोगों को पता लगता जाएगा। आपका सबसे बड़ा अधिकार है आपका संयुक्त पंजाब, संयुक्त पंजाब आपका सबसे बड़ा अधिकार है। एक बार अपनी एकता बना के देखो, किसी सरकार में किसी में इतना दम नहीं कि आपको झुका देंगे, ये आपको एकता बनानी पड़ेगी। अगर ये एकता बन गई ना, तो आप बड़े से बड़ी सरकारों को झुका दोगे, ये गारंटी है इस चीज़ की, गारंटी। इनकी एक ही दवाई है, वो है आपकी एकता। आप अगर संगठित रहोगे, अलग अलग रहोगे, सभी तोड़ देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर संगठित रहोगे, किसी नेता के, किसी समाज सेवी के, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और बहुत से साथी एक सवाल कर रहे हैं कि मेरी कौन सी यूनियन है या कौन सा संगठन है, कौन सी, कोई यूनियन, कोई पार्टी, कोई संगठन नहीं है भाई, सभी के साथ मिलकर रहते हैं, सभी के साथ वो है। लेकिन ये नहीं कि कोई संगठन अगर ये कहेगा कि दीपक हमारे संगठन में है या और कुछ, नहीं, वो गलत चीज़ें हैं। ये 2-3 चीज़ें सामने आ ली हैं, इन चीज़ों से बचो। मेरा किसी संगठन से कोई मतलब नहीं, और खासकर हरियाणा में तो किसी संगठन से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ये स्पष्ट कर देता हूँ मैं, स्पष्ट। हरियाणा क्या कहीं पर भी किसी संगठन से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा है उसको बुरा कहेंगे, सच्चाई है वो आपके सामने रखेंगे। और ये जो भी किसी संगठन ने अगर मेरा नाम भी लिया, कुछ भी लिया है, मत लो ऐसा, गलत है ये। अगर कोई बात है तो आप बताओ, जितनी आपकी मदद होगी वो करेंगे। लेकिन ये नहीं कि नाम ले दो कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं जुड़ा भाई किसी भी संगठन से, ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। कल कई दिन हो गए कन्फ्यूज़न है बहुत से भाइयों को, ये कन्फ्यूज़न अपना दूर रखना। दूसरी बात, अभी हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, J&K पूरा मिल के एक साथ रहना सीख जाओ। आपको बार बार ये चीज़ बताते आ रहे हैं, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। और अभी आगे की सुन लो, आगे ये कौन सी फिल्म चलाएंगे। अभी तो इन्होंने ये दिखाया, गाड़ी में फोटो मिले अमृतपाल के, जबकि वो सुपारी वाला, वो तो झूठ बोली इन्होंने, सरेआम झूठ बोली पंजाब पुलिस ने, सरेआम झूठ बोल के आपने नज़रबंद किया है कि आपकी सुपारी दी गई है और कुछ। वो सुपारी मतलब दी गई थी, वो कुछ घंटों के लिए दी गई थी, फिर आपने छोड़ दिया। वो जो फोटो मिल रहे, वो आप करना चाहते थे ना, इस कारण नज़रबंद किया गया था। ये है कारण, जो कि आप बताना नहीं चाहते, कारण यही है। आपको डर लग रहा है कि एक आवाज़ उठती जा रही है, उस आवाज़ को दबाने के लिए आप कुछ भी करोगे। ये देखी हुई चीज़ें हैं, भुगती हुई चीज़ें हैं, हमारे को भी पता है, ये सब यहाँ पे देख रखे हमने। लेकिन हरियाणा के लोगों को अपनी आँखें खोलनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसके साथ होना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ होना चाहिए। और हरियाणा में ये चीज़ पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे, समझेंगे। पंजाब ने भी बहुत कुछ भुगता है, पंजाब तो 47 से लेकर 2022 आ गया, आज तक भुगतता आ रहा है। कभी उसका कोई सा बाजू तोड़ दिया जाता है, कभी हिमाचल अलग, कभी हरियाणा अलग, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग, कभी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा अलग, कभी J&K अलग, कभी लेंदा पंजाब अलग, कितने टुकड़े सहेगा रे पंजाब। अब तो अपनी एकता बना लो, अपना खून खून को एक हो जाओ, जो अपना DNA है वो तो एक हो जाओ। और वो सबको पता है DNA कौन सा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दोगे। वो DNA जिस दिन एक हो गया ना, जिस दिन भी एक हो गया, मैं कह रहा हूँ एक तरफा सरकार आप लोगों की होगी, एक तरफा सरकार, और कोई सरकार आपको छेड़ नहीं सकेगी। लेकिन कमी है, हमारा DNA हमारा आपस में ही टांगे खींचता है, आपस में टांग खिंचाई करता है। उनकी मजबूरी क्या है वो नहीं पता है अभी, मजबूरियों का पता तो है, लेकिन वो क्या है कि मानसिक गुलाम हो रखे हैं। निकलेंगे वो उस गुलामी से, तब निकलेंगे जब पूरे बर्बाद हो जाएंगे, तब निकल पाओगे इस गुलामी से, उससे पहले नहीं निकल पाओगे।
और आपको निकलना पड़ेगा इस गुलामी से। जितनी जल्दी निकलोगे उतनी जल्दी आपके बच्चों का भविष्य बच जाएगा, जितना लेट करोगे आपके बच्चों का उतना ही ज़्यादा भविष्य खराब होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक पूरी बात को नहीं समझोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको पूरी बात को समझना पड़ेगा हुआ क्या है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को शेयर करने का आपका काम है, सच्चाई रखना हमारा काम है। सावधान रहना, अभी तो ये शुरुआत हुई है। चुनाव तो 2024 में, अभी 2023 भी बीच में है। आँख नाक कान सब कुछ खुले रखना, इनका कोई भरोसा मत मानना। कहीं आप भरोसा मान रहे हो, कोई भरोसा नहीं है इनका। सभी साथियों को नमस्कार।